हाउ लॉन्ग? जी जी सेकेंडरी मैडम, एमिनोरिया फॉर हाउ लॉन्ग? मैडम फॉर 6 मंथ। ओके ठीक है, तो ओके मैडम, चलें इस क्वेश्चन में। ओके मैडम। मैडम फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट, टेक द बायोडाटा एंड देन आई विल आस्क अबाउट द फोकस हिस्ट्री रिलेवेंट टू माई सिनेरियो। देन आई विल आस्क अबाउट द पेशेंट नेम, एज एंड हस्बैंड्स एज एंड वेदर द फर्स्ट मैरिज ऑफ बोथ द कपल एंड लिविंग टुगेदर एनी कोइटल डिस्टर्बेंसेस। देन आई विल इंक्वायर अबाउट द हस्बैंड्स सॉरी, शी इज ऑक्यूपेशन। मैरिड सिंस व्हेन? मैडम वो बस मैंने अपने ऐसे क्वेश्चन पूछा बस ओके ठीक है। मैडम। फर्स्ट मैरिज ऑफ द बोथ कपल्स एंड द लिविंग टुगेदर एनी कोइटल डिस्टर्बेंसेस। ठीक देन है, आई विल इंक्वायर अबाउट द हस्बैंड्स ऑक्यूपेशन एंड एनी हिस्ट्री ऑफ मम्स एंड क्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस डायबिटीज और हिस्ट्री ऑफ पास्ट सर्जरी एनी स्पेशली हर्निया। और आई विल ऑल्सो इंक्वायर अबाउट एनी हिस्ट्री ऑफ ड्रग और एडिक्शन हिस्ट्री। देन आई विल इंक्वायर अबाउट द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड द रेगुलरिटी ऑफ द साइकिल, एनी हिस्ट्री ऑफ द नोज़िया वॉमिटिंग, एनी प्रेगनेंसी टेस्ट डन और नॉट टू रूल आउट द ठीक प्रेगनेंसी। देन मैडम आई है। विल आस्क अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हेड एक, ब्लरिंग ऑफ द विजन और ए निपल डिस्चार्ज और एनी हिस्ट्री ऑफ द नाइट स्वेट्स, हॉट फ्लैशेस और मूड स्विंग्स, ज्वाइंट पेन और इरिटेबिलिटी। देन ऑल्सो आई विल इंक्वायर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्ट्रेस, कफ और नाइट स्वेट्स एंड इंटॉलरेंस, एनी हिस्ट्री ऑफ देन आई विल इंक्वायर अबाउट द प्रीवियस डिटेल साइकिल हिस्ट्री। देन आई विल इंक्वायर अबाउट द इन विच आई विल इंक्वायर अबाउट द हाउ मेनी नंबर ऑफ द डेज विद कोरिलेटिंग विद द प्रीवियस साइकिल। देन मैडम आई विल इंक्वायर अबाउट द पास्ट पैप्समियर हिस्ट्री एंड द कंट्रासेप्शन हिस्ट्री, एनी हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस डीएनसीज और अदर सर्जिकल प्रोसीजर, एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रीनल और लिवर डिजीज और हिस्ट्री ऑफ वीटी स्ट्रोक और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म और ब्रेस्ट कैंसर और अ प्री मेच्योर मीनोपॉज इन हर फैमिली और हर, एंड एनी ड्रग हिस्ट्री, एलर्जी और सोशियो इकोनॉमिक और स्मोकिंग और एनी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द इनफर्टिलिटी एंड रिलेटेड एमोरिया अप टिल नाउ। मैडम डन विथ हिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, और मैडम जी, मैडम देन आई विल प्रोसीड फॉर द एग्जामिनेशन। अच्छा, मैडम हिस्ट्री इन आपकी इन इन कंप्लीट हो गई? एग्जामिनेशन हिस्ट्री आपकी जी जी कंप्लीट हो गई? मैडम इसमें कुछ और आप जी पूछना मैडम चाहेंगे? मैडम इसमें तो सारी हो गई। हस्बैंड की भी मैंने ले ली, मतलब इनफर्टिलिटी के हिसाब से, और जो है फीमेल की भी डिटेल ली है। ठीक है। हाँ, एमनोरिया को ज़्यादा एलाबोरेट करूँ? वो डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी एलेबोरेटेड। उससे पहले वाला साइकिल कैसा था, उसके साथ और कोई एंडोक्रिनोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं नहीं है, कोई इन्फेक्शन की, इन जनरलाइज्ड इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री है या नहीं है, व्हाट ड्रग्स शी हैज बीन यूजिंग सो फार, ये सारी चीजें हैं जो आपने उससे पूछनी है। मैडम वो मैंने बस ऐसे ही जनरल कही देखो, थी। एमिनोरिया की जितनी भी कॉजेज हैं, जी जी हम मैडम एमिनोरिया के कॉजेज हाइपोथैलेमस से लेके नीचे यूट्रस एंड ऑर्गन्स तक चलती है। उन सारी कॉजेज को आप जहन में रख के, ठीक है, सिर्फ जरा प्री मेच्योर मीनोपॉज इज जस्ट वन ऑफ द कॉजेज। तो हाइपोथैलेमस से लेके यूट्रस तक सारा आपने उसको जो है वो सॉर्ट आउट करना है, फर्स्ट इनिशियली ऑन हिस्ट्री। ठीक है, जी मैडम हाँ जी। तो कोई चीज जो आपने मिस की हो आपके ख्याल में? मैडम मैंने तो सारा हेड टू टो शायद कवर करने की कोशिश की थी। पहले तो प्रेगनेंसी रूल आउट की, फिर थायराइड प्रोलैक्टिन और पीसीओएस, और फिर जो है वो कोई रेडिएशन, और अगर एचआरटी देनी हो तो मैंने वो भी काजेस मेडिकल में सारे एक्सक्लूड कर दिए। ठीक है, वो तो आपने और पूछ लिया था, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस बेसिकली। हमारे बाकी जो हैं ऑडियंस हैं, उनके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चंस जो मिस हो गया हो या जो पूछने वाला हो, जो जरूरी है टू रीच एट अ डायग्नोसिस?
जी हमारे जो ऑडियंस सुन रहे हैं उनमें से कोई जो इस पे कमेंट करना चाहे, कोई मैडम, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। इन्होंने पूछी थी, वो इन्होंने पूछी थी। और मैडम, क्या? हाइपोइस्ट्रोजेनिक जो सिम्टम्स हैं वो पूछेंगे, हॉट फ्लैशेस हैं या नहीं, वजाइनल ड्राइनेस, लॉस ऑफ लिबिडो, हेड से रिलेटेड वो सारे सिम्टम्स पूछेंगे मेरे उससे, ख्याल हॉट जैसे फ्लैशेस वगैरह पे तो हेड। इन्होंने पूछे थे। इन्होंने अच्छा, वो मैडम हेड से रिलेटेड जो है, इंजरी है, कीमोरेडिएशन है कोई, और उसके अलावा स्ट्रेस है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, डाइट है, एक्सरसाइज है, ये सब हाँ, चीजें, मतलब ये सारी उसमें चीजें लॉस ऑफ पूछेंगे वेट या गेन इन वेट दोनों चीजें इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एक सर्टेन जी। बीएमआई की रेंज होती है जिसपे वेरियन फंक्शंस ऑप्टिमल होते हैं, जिसपे जीएनआरएच जो गैलेक्टिन है वगैरह उसका में बेलीज पूछना चाहिए था। इफेक्ट नहीं होता, तो वो भी हमें पूछना चाहिए। वेट चेंजेस, अब्रप्ट वेट चेंजेस, इधर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक है। और और उसके अलावा मैडम कोई एंटीएमेटिक वगैरह तो नहीं ले रही है? अच्छा, ये पूछा था शायद, प्रोडक्टिनोमा वगैरह से किया था रूल आउट। ड्रग्स में जी जैनब, जी, मैडम एंटीमेटिक्स वगैरह पूछनी चाहिए थी, मेटाक्लोप्रोमाइड वगैरह तो नहीं ले रही है, और उसके अलावा हाँ ठीक है, ये माइक को साइक्लोडेक्सोन। जरा म्यूट कर दें प्लीज, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है जी। और मैडम और एंटीसेप्टिक्स या जो है वो केमोथेरेपी, अगर कोई केमोथेरेपी कोई ली हो, फॉर एनी रीजन, ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स। और एंटीसाइकोटिक जी, ड्रग्स का ये क्यों बार बार कह रही हैं? मैडम वो भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज करवाती है ना। आओ, कैसे करती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी? व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म? बाय इंक्रीजिंग मैम, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स, ठीक है। अब देखो, जो हाइपोथैलेमिक यस यस मैम, वेरिएबल्स हैं, जो वो सारी चीजें जो उसको इफेक्ट कर सकती हैं हाइपोथैलेमिक फंक्शंस को, जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, बीएमआई और फिजिकल एक्टिविटी, ये तीन चीजें हैं जिनका जो भी इसमें जो चेंजेस आती हैं वो उससे रिदम को डिस्टर्ब कर सकती हैं। सो वो सारी चीजें, फिर जो पिट्यूटरी, जो बेसिकली जो गोनेडोट्रोफिन्स हैं, गोनेडोट्रोफिन्स का रिलीज पिट्यूटरी के बाकी हॉर्मोन्स के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है, दैट यू शुड नो, एंड यू हैव टू आस्क द पर्टिनेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद दैट। थर्डली देन यू कम टू द ओवरी, ओवेरियन कॉजेस में कोई ओवेरियन ट्यूमर तो नहीं रहे, कोई उसमें जो है वो, या फैमिली हिस्ट्री उसकी ऐसी हो, मीनोपॉज के अलावा भी फैमिली हिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो उसकी पुरानी हिस्ट्री से हमें पता चल जाएगा। दो यू हैव गिवन अस द मेडिकल एंड सर्जिकल जो है पास हिस्ट्री, वो आपने हमें बता दिया। देन फाइनली यू कम टू द एंडोमेट्रियल कॉजेस या यूट्राइन कॉजेस हैं, एंडोमेट्रियम की डिस्ट्रक्शन किस वजह से हो सकती है, बिकॉज दिस विल रिलेटेड विद द एंडोमेट्रियल डिस्ट्रक्शन बेसिकली। तो उसमें इन्फेक्शन इज जस्ट वन ऑफ द कॉजेज, बट यू हैव टू सॉर्ट आउट द अदर रीजंस। कोई उसने कोई क्वैक ट्रीटमेंट ली हो, कोई डीएनसी करवाई हो, जाहिर है ये नली पैरा है। नली पैरा का मतलब ये होता है कि शी हैज नॉट गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड मोर देन 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। लेकिन एबॉर्शन नली पैरिटी में नहीं आती, उसने अगर अगर फर्ज किया एबॉर्शन भी उसको कभी नहीं हुई, शी हैज नेवर कंसीव्ड, देन शी विल बी कॉल्ड एज नली ग्रेविडा। तो नली ग्रेविडा और नली पैरा में फर्क है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने उससे पूछनी है, ठीक है। ये सारी चीजें उसको हम वो उसमें करेंगे, बाकी तो आपने चीजें पूछ ही नहीं ऑलमोस्ट। अब इसमें कमिंग टू द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में आप क्या क्या चीजें देखोगे? मैडम, ऑन एग्जामिनेशन आई विल चेक द बीएमआई बाय कैलकुलेटिंग वेट एंड हाइट इसमें एंड। एक सॉरी, एक मिनट बेटा, एक मिनट। इसमें जी जो जी जी चीज आप ये पूछोगे उसका जो प्रीवियस साइकिल था एंड हाउ इट एमिनोरिया स्टार्टेड, वो हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि क्या ये वाज इट प्रिसीडेड बाय सम मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी और वाज शी हैविंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दैट वाज एन अब्रप्ट सीजेशन ऑफ द मेंसेस। क्योंकि जो जी ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होती हैं उसके पैटर्न से भी आपको चीजें पता चल जाती हैं, तो क्या जी ये जी ऑनगोइंग प्रोसेस था इसका मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी का विच एंडेड अप इन एमेनोरिया, या इसका एक एब्रप्ट स्टार्ट था प्रॉब्लम्स का? तो ऑनसेट ऑफ द डिजीज, इट्स पैटर्न इज इम्पॉर्टेंट टू नो। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें हम पूछेंगे जी।
develop These are first not. the BMI of the patient and check vitals, and look for the pallidness and the evidence of any hirsutism. The rule out the thyroid, any thyroid swelling, breast for nipple discharge, or a breast chest and cardiac examination, and do abdominal examination for the inspection and any mass. If present, its characteristics, and exclude any vasomegaly. Then, madam, I will proceed for the local examination for the health of vulva and vagina. Then I will do the exam, look for the vaginal atrophy or vaginal atrophy, and then look for in discharge. If a pap smear is due, then I will do the biometrics to look for the uterine size, mobility, and the test, and then look for an axial pathology. Okay, और जी मैडम बस एग्जामिनेशन में तो यही देखेंगे. अच्छा ठीक है. अब ये हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे आपका, अब इसको अगर मैं थोड़ी सी फीचर्स आपको बता दूं, तो सपोज आई से दैट दिस पेशेंट हैज बीन मैरिड फॉर लास्ट 4 इयर्स एंड शी हैज बीन नेवर एबल टू कंसीव. हस्बैंड की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री नहीं है. और दूसरा ये कि द प्रेजेंट प्रॉब्लम वॉज प्रिसीडेड बाय ऑलिगोमेनोरिया फॉर टू इयर्स. ठीक है, पेशेंट यूज टू हैव साइकिल आफ्टर एवरी 45 to 50 डेज, और दो इट वॉज रेगुलर बट ग्रेजुअली द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग डिक्रीज्ड, एंड नाउ फॉर द लास्ट 6 मंथ शी इज टोटली एमेनोरिक, एंड इन द अदर हिस्ट्री शी हैज नो अदर कोमॉर्बिडिटी, नथिंग डिटेक्टेड एज ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. एंड ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन देर इज नो एबनॉर्मैलिटी डिटेक्टेड, कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, यूट्रस इज 6 सेंटीमीटर इन साइज अप्रोक्सीमेटली, और बाकी उसमें कोई विजाइनल एट्रॉफी या वो उसके सिम्टम्स आपको नहीं लगते. और बाकी ये है कि द पेशेंट गिव्स हिस्ट्री ऑफ एंड ऑन हॉट फ्लशेज समटाइम्स, जी बट मैडम. टू नोटिस हर ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो 130/90 ऑन इनिशियल एग्जामिनेशन, एंड हर BMI इज 28. BMI उसका 28 है. ठीक है, तो जी मैडम. इसमें का प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या बनेगा? आपकी जो इनिशियल लिस्ट है प्रोविजनल डायग्नोसिस की बेस्ड ऑन दिस हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन विल बी व्हाट? जी मैडम. मैडम, इट वुड बी POI, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, At the एंड top of मैडम the top of list, यस most मैडम. common diagnosis will be what? मैडम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है. PCOS, एंड देन मैडम प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, एंड मैडम उसके अलावा मैडम वो टर्नर मोजेक भी हो सकता है, बीपी भी रेज है इसका, और उसके बाद जो है वो ऐसे भी फीचर्स है. अच्छा ठीक है, टर्नर मोजेक, वो आप अलहदा जी से इसको लिस्ट में रखोगे, और विल इट बी यस अ मैडम. सब कंपोनेंट ऑफ PUF? यस मैडम, उसके सब कंपोनेंट में ही आ जाएगा, हाँ क्योंकि ठीक है, उसके वो सब तो पास है कंपोनेंट पीयूआई. आएगा, इसको आप अलहदा से शायद ना करो लेकिन सब जी कंपोनेंट मैडम. आएगा. ठीक है, और कुछ और मसला है इसमें? मैडम ओलिगोमेनोरिया है 2 ईयर की, और वो तो सिम्टम साइकिल है. उसकी प्रोलॉन्ग है. हाँ जी वो तो जी सिम्टम थे, पहले ओलिगोमेनोरिया हुआ 2 साल, अब 6 महीने से उसको टोटली सजेशन ऑफ साइकिल है. मैडम, मेरी तो यही दो डायग्नोसिस है. ओके, बाकी हमारे जो ऑडियंस है उनके जेन में कोई और डायग्नोसिस? मैम प्रेगनेंसी कह सकते हैं. नॉट नेसेसरीली, बिकॉज फॉर द लास्ट 6 मंथ्स इट मस्ट बी, मतलब ये कि इसका इतना हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पता चल जाना चाहिए.
क्या कोई ओवेरियन रेजिस्टेंस सिंड्रोम हो सकता है? ठीक जी मैडम, वो भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। वे पार्शियली फॉर सम टाइम ओवेरियन फंक्शन का कम हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली उसमें होल्ड डाउन आता है और उसके बाद वो पेशेंट वो जो ओवरीज हैं फिर रीजेनरेट हो जाती हैं। तो ये जी ओवेरियन मैडम, रेजिस्टेंस सिंड्रोम है विच इज मैडम जस्ट अ पार्शियल फिनोमेना, टेम्परेरी फिनोमेना। जी मैडम, ये पीयूआई की अंडर कैटेगरी नहीं आएगी सब कैटेगरी में ओवेरियन इसमें नहीं, रेजिस्टेंस? ये ओवेरियन फेलियर नहीं है। ओवेरियन फेलियर ये ओवेरियन इनसफिशियंसी में तो आ सकता है लेकिन ओवेरियन फेलियर में नहीं आएगा। ओवेरियन फेलियर मींस के ओवरी का फेल, ओवेरियन फंक्शंस खत्म हो गए। उसकी आगे से मल्टीपल कॉजेज है। अगर हम इसको ओवेरियन इनसफिशियंसी जहां पे कुछ ना कुछ फंक्शन बार दफा रहता है बट देयर आर डिक्लाइनिंग फंक्शंस, उसमें ओवेरियन रेजिस्टेंस सिंड्रोम आ सकता है। ओवेरियन फेलियर इज डेफिनेटली द एंड लिमिट ऑफ ओवेरियन इनसफिशियंसी, यानी जहां पे ओवेरियन फंक्शन टोटली खत्म हो गए। ओवेरियन इनसफिशियंसी एक वो सिंड्रोम है बेसिकली जो चलता है फॉर सम टाइम बट बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग ओवेरियन फंक्शन। इनसफिशियंसी है ना, इसमें फेलियर नहीं है। तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को डिफ्रेंशिएट करना हमें पता होना चाहिए। तो ओवेरियन इनसफिशियंसी इज मैनेजेबल, ओवेरियन रेजिस्टेंस सिंड्रोम उसके अंदर आ जाएगा ओवेरियन इनसफिशियंसी में, क्योंकि कभी कभी इसमें जो है ओवुलेशन भी फिर उसमें दोबारा से होना शुरू हो जाती है, ओवेरियन फंक्शंस आर रिस्टोर्ड। लेकिन ओवेरियन फेलियर में तो ऐसी कोई चीज अमूमन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, चलें जी। अब इसमें हम हाउ यू विल कंफर्म योर डायग्नोसिस, यस व्हाट अमंग ऑल ऑफ दीज मैम, इज द डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट? मैडम बाय डूइंग इन्वेस्टिगेशन देन आई विल कंफर्म। कैसे? आई नीड अ जनरल हेल्थ प्रोफाइल इन व्हिच आई वांट टू नो अबाउट द कंप्लीट ब्लड पिक्चर काउंट, इन व्हिच आई वांट टू नो अबाउट द हेमोग्लोबिन एंड ग्राम पर डेसिलीटर, टोटल ल्यूकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट एंड एचपी सरफेस एंटीजन, एचसीवी एंटी एचआईवी एंड ब्लड ग्रुप विद आरएच फैक्टर एंड डिटेल्ड यूरिन एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू लुक फॉर द प्रोटीन पस एंड द कीटोन। बेसिकली सारे बेसलाइन जो जो हम सारे कहते हैं कि ये बेसलाइन टेस्ट हैं, वो जी 5 टेस्ट जो उसमें बेसिक में आते हैं वो सारे आप करवाओ के। व्हाट व्हाट अपार्ट फ्रॉम दीज बेसलाइन टेस्ट? मैडम, सीरम बीटा एसीजी टू रूल आउट द प्रेगनेंसी एंड आई वांट टू नो अबाउट द हस्बैंड सेमेन एनालिसिस विद द डेट अगर हम ये एंड कहें कि हमें क्लिनिकली नहीं लग रहा कि ये प्रेगनेंसी है तो क्या फिर भी इसको बीटा ईसीजी करवाओगे? मैडम, अगर ओवेरियन को माइंड में रख रहे हैं, अगर कोई सिस्ट वगैरह को एविडेंस है फिर रख सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं रखेंगे। सिम्टम्स नहीं है लेकिन बीटा एसीडी जी आप, जी क्योंकि बार दफा पेशेंट एमेनोरिक फेज में वी थिंक ये सेकेंडरी एमेनोरिया है ड्यू टू सम पैथोलॉजी, लेकिन इसमें अगर कोई अर्ली प्रेगनेंसी है मे बी 6 to 8 weeks और उसने उसी पीरियड ऑफ एमेनोरिया में कंसीव कर लिया, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट कैन बी, तो उसके लिए टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन यू विल गो फॉर बीटा एसीडी। ओके ठीक मैडम। है, चलो जी आगे। और मैडम आई वांट टू नो द फीमेल एब्डोमिन और पेल्विक अल्ट्रासाउंड टू लुक फॉर द एनी मैस, एविडेंस ऑफ एनी मैस और विस्ड्रोमेगैली एब्डोमिन एंड ऑन द यूट्राइन साइज, एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल इको टेक्सचर एंड एनी फोकल थिकनेस एंड एनी मैस इनसाइड द यूट्रस और एनी एडेनेक्सल पैथोलॉजी। ओके, व्हाट एल्स? मैडम डे टू FSH एंड LH, हार्मोन लेवल्स, कौन सा टेस्टोस्टेरोन डेट? एंड वो अभी तो डेट प्रोलैक्टिन और इसका है ही नहीं, वो तो एमिनोरिक है टोटली, पिछले 6 महीने से मैडम एमिनोरिक है, डेट हो तो डेट टू तो है ही नहीं है। फिर हम उसको विड्रॉल करवाएंगे तो उसके बाद जो है वो टेस्ट अगर रेफरेंसेस लेवल देखनी हो तो हाँ जी, कितने लोग इस फेवर में हैं कि विड्रॉल करवा के हम FSH देखेंगे? और विड्रॉल किससे करवाओगे? मैडम वो प्रोजेस्टेरोन से प्रेमिलुटिन से करवाते हैं। अच्छा ठीक है, और अगर उसे विड्रॉल नहीं होती तो फिर? फिर मैडम बस जो भी लेवल्स हैं उसको हम देखेंगे। ओके,
विट्रॉल ब्लीडिंग जब हम करवाते हैं बाय गिविंग सम हार्मोनल प्रेपरेशंस, मे इट बी कॉम्बाइंड पिल्स और इट मे बी, वैसे ये बेसिकली हम एंडोमेट्रियल थिकनेस को देखने के बाद करते हैं कि वेदर इट विल बी रिस्पॉन्सिव टू जी प्रोजेस्टोजेंस फॉर द विड्रॉल ब्लीडिंग और नॉट। तो उससे FSH लेवल पे क्या फर्क पड़ता है? पेशेंट को हमने दिया 5 से 7 दिन, हमने विड्रॉल ब्लीडिंग करने के लिए हॉर्मोन्स दिए और उसके बाद फिर पेशेंट ब्लीड करती है, सपोज मे बी आफ्टर 5 to 7 days, तो उससे FSH लेवल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं मैडम, ऐसे तो नहीं इफेक्ट आना चाहिए। नो देखो, अब FSH लेवल बेसिकली वी वांट टू असेस द FSH लेवल टू नो द ओवेरियन रिजर्व, ओवेरियन फंक्शंस बेसिकली। रिजर्व के तो टेस्ट और भी हो सकते हैं, मैडम, लेकिन इसमें हमने ओवेरियन फंक्शन को देखना है कि इधर ओवरीज आर फंक्शनिंग और नॉट नॉर्मली। अब ये फर्ज किया, ये अगर हम ओवेरियन फेलियर का सोच रहे हैं या इसमें हमारा जो बाकी जो डायग्नोसिस है, इन केस ऑफ ओवेरियन फेलियर ओवरीज का फंक्शन तो नहीं होता, सो व्हाट FSH विल बी एक्सपेक्टेड टू बी? इट मे बी इट शुड बी रेज्ड। अब FSH का जो लेवल्स होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिव टू व्हाट इज इट्स फीडबैक मैकेनिज्म, यानी व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स फॉर द FSH रिलीज? द लेवल्स ऑफ हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन, ठीक है? तो जी ईस्ट्रोजन अगर कम है इसलिए कि पेशेंट ओवुलेट नहीं कर रही, पेशेंट ओवेरियन फंक्शन उसके नहीं है, तो FSH इज एक्सपेक्टेड टू बी रेज्ड अबव अ जी सर्टेन लिमिट। अब अगर हम उसको विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए हॉर्मोन्स दे रहे हैं, तो हम आर्टिफिशियली उसको वो लेवल्स उसके बढ़ा रहे हैं हॉर्मोन्स के, खास तौर पे अगर हम कंबाइन भी दे रहे हों तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इवन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स भी अकेले कैन कॉज अ फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट, यानी एक्चुअली FSH रेज्ड होगा लेकिन हमारे हॉर्मोन्स देने से वो FSH नीचे आ जाएंगे, सो इट कैन अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ FSH, सो इट्स बेटर नॉट टू गो फॉर विड्रॉल ब्लीडिंग इन सच केस, बिकॉज हेयर वी आर नॉट, वी आर बेसिकली हैव, वी हैव टू असेस द एक्चुअल ओरिजिनल लिमिट ऑफ द FSH, जो कि इस 6 महीने के एमेनोरिया के बाद, क्योंकि उस पर हमने डिसाइड करना है कि ओवेरियन ओवरीज आर फंक्शनिंग और नॉट, तो इसमें हम विदाउट ब्लीडिंग नहीं करवाएंगे, इसमें हम वैसे ही उसके FSH लेवल्स करवाएंगे, जी ठीक है? मैडम, जी, अच्छा चलो, और फिर FSH के अलावा और क्या कर सकते हैं? मैडम थायराइड और प्रोलैक्टिन इफ हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ, ठीक है, और देन मैडम एएमएच लेवल, सीरम एएमएच लेवल। तो अगर हमने FSH करवा लिया तो फिर AMH क्यों करवाएंगे? मैडम वो ओवेरियन रिजर्व देखने के लिए। तो अगर ओवेरियन रिजर्व ठीक होगा तो क्या FSH ठीक नहीं हो सकते? एड करने डायग्नोसिस में, मतलब जैसे कि ये क्या? कंसीव भी करना चाहती है, तब मैं उसको, मैडम ये कंसीव भी करना चाहती है ना, तो इसीलिए ठीक मैं है, तो वो साथ व्हाट में रखा। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यू विल गेन बाय AMH एंड व्हाट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यू विल गेन बाय FSH? मैडम दोनों से ओवेरियन रिजर्व ही पता चलेगा। लेकिन उसमें फर्क क्या है? देखो, FSH वो वाला हार्मोन है, गोनेडोट्रोफिन है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी बना रही है। AMH वो वाला हार्मोन है जो ओवरी बना रही है, ठीक है? तो इन दोनों की जो इंफॉर्मेशन है वो ओवरऑल रिजल्ट हमें ओवेरियन रिजर्व का इनडायरेक्टली FSH से भी पता चल रहा होता है, लेकिन FSH बेसिकली फंक्शनल असेसमेंट है ऑफ द ओवरीज। जो AMH है दैट इज बेसिकली द एनाटॉमिकल असेसमेंट ऑफ द ओवरीज अबाउट द ओवेरियन रिजर्व, यानी ये AMH डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ प्री एंट्रल फॉलिकल्स, जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, कि उसमें रेजिडुअल जो फॉलिकल्स हैं वो बेसिकली हैं कितने, कम हैं, ज्यादा हैं, क्या हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ओवुलेशन ना हो रही हो, फॉलिकल अगर सही तरह मेच्योर नहीं हो रहे होते, तो उसमें FSH लेवल डिस्टर्ब हो सकते हैं लेकिन AMH लेवल ठीक होंगे। सो द बेसिकली जो उससे इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी जरूरी है। अब जैसे PCO के केसेस में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, तो उसमें AMH लेवल इज एक्सपेक्टेड टू बी रेज्ड, जबकि जी मैडम, FSH हो सकता है अगर वो, क्योंकि FSH को का फीडबैक क्या होगा? FSH का फीडबैक वो रिक्रूटिंग फॉलिकल है जो साइज में भर रहा है और उसके बाद ओवुलेट भी कर रहा है,
जिसने वो ओवेरियन स्टीरॉइड्स प्रॉपरली बनाए और उसने फिर एफएसएच एलएच को फीडबैक दिया और उसे उसका साइकिल रेगुलेट हुआ, ठीक है? तो इसलिए वो उसकी फंक्शनल असेसमेंट कर रहा होता है। चलो जी, अब इसका हम ये जो इसका अल्ट्रासाउंड आपने जी करवाया था, अल्ट्रासाउंड पे एक चीज आपने मिस कर दी थी, एंट्रल फॉलिकल काउंट, दैट इज अनदर वे ऑफ असेसिंग ओके द ओवेरियन रिजर्व, ठीक है? और ये हम तकरीबन एक रिजर्व टाइम पे करवाते हैं और नॉर्मली इसको 5 से 6 जो है वो एंट्रल फॉलिकल काउंट होने चाहिए, कि इतने जो है वो रिक्रूट हो रहे होते हैं, उनमें से एक दो आउटग्रो कर जाते हैं अपने साइज में। तो ये उसमें एंट्रल फॉलिकल काउंट हो जाएगा और उसके अलावा एंडोमेट्रियल थिकनेस है, बाकी कोई एडनेक्सल पैथोलॉजी है तो वो सारा कुछ उस पे हम देख लेंगे। और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की वैसे मुझे वजह नहीं समझ आई कि आप वो क्यों करवाना चाह रहे हो, लेकिन बहरहाल इसमें सपोज हर एंडोमेट्रियल थिकनेस इज 6 मिलीमीटर और नो एंट्रल फॉलिकल काउंट नोटेड इन ओवरीज। जाहिर है इस वक्त तो हमारे पास कोई मेंस्ट्रुअल डे ऑफ साइकिल नहीं है, ये तो हम उसी एमेनोरिक फेज में कर रहे हैं। हर एफएसएच इज 35 जी मैडम, और एएमएच लेवल जो है वो समझो 0.1, बाकी टीएसएच प्रोलैक्टिन सब चीजें ठीक है। मैडम एफएसएच रेज है और एएमएच इसका रिड्यूस है। तो मैडम डायग्नोसिस बताओ, हाँ जी बताइए डायग्नोसिस। मैनेजमेंट। मैडम माय एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी नहीं, ऑफ लाइफ पहले तो फॉर माय बेटा पेशेंट डायग्नोसिस मुझे बताइए, एंड नहीं तो ये मैंने आपको बताया एंडोमेट्रियल थिकनेस जी इतनी है, एंट्रल फॉलिकल काउंट कोई भी नहीं था और एफएसएच में कोई डेवलपिंग फॉलिकल कुछ भी जी नहीं जी है, जी और बाकी यूट्रन साइज इज नॉर्मल 6 सेंटीमीटर, वही जो हमें क्लिनिकली लगा था, और ओवेरियन साइज इज 2 x 2 सेंटीमीटर, और बाकी एफएसएच जो है वो जी जी 35 है। टीएसएच प्रोलैक्टिन वगैरह ये सब चीजें ठीक है। मैडम एएमएच एफ एस एच इज 6, 0.1 जी, एफएसएच इज 35। मैडम एम एच इज रिड्यूस एंड एफ एस एच इज इंक्रीज। सो यस मैडम, तो क्या करेंगे? डायग्नोसिस 1 मिनट, सब आंसर तो फिर आपका और उसके बाद क्या करेंगे? हाँ इट इज रेज स्टिल। देन मैडम देन डायग्नोसिस बिकम प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। ठीक है, चलो अब इसमें 35 ईयर्स है, देन आई नहीं विल, इसमें मैनेजमेंट कैसे हम करेंगे? यस मैडम, मैडम फर्स्ट आई विल काउंसिल द पेशेंट इन एम्पैथेटिक वे अबाउट द डायग्नोसिस दैट शी इज हैविंग द डायग्नोसिस ऑफ इज प्री इट मेच्योर कंफर्म्ड ओवेरियन फेल्योर। डायग्नोसिस? क्या ये डायग्नोसिस कंफर्म हो गया? नो मैडम, मैडम एक रिपोर्ट के बाद जो है वो 4 वीक्स के बाद रिपोर्ट करवाएंगे, जब उसमें भी पॉसिबिलिटीज हम आ बताएंगे जाएगी। उसको और आगे ऑनवर्ड हमने क्या जी करना जी है, जी प्लान ऑफ मैनेजमेंट वो बताएंगे, ठीक है? ठीक है, सर्जिकल से चलिए प्रोबेबल काउंसलिंग। डायग्नोसिस ऑफ द प्री कंफर्म्ड बाय द सेकेंड रिपोर्ट, इफ लेवल इज स्टिल इंक्रीज देन अ डायग्नोसिस विल कम प्री जो मेच्योर सेकंड रिपोर्ट है ओवेरियन वो आप कब सफिशिएंसी। करवाओगे? सेकंड रिपोर्ट मैडम आप कब 4 वीक्स करवाओगे? अपार्ट। बेहतर होता है जी अगर जी सिक्स मैडम, वीक्स फोर तक वीक्स ले अपार्ट जाए तो, करवाएंगे। 6 वीक्स तक ले जाओ तो वो ज्यादा मैडम बेहतर वो है। नाइस गाइडलाइन। जी ठीक है, जी ठीक मैडम, है, ओके। मैडम चले आगे चले। देन मैडम आई विल एम्पैथेटिकली काउंसिल एंड आई विल टेल हर अबाउट द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अबाउट द हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट इंक्लूडिंग कैल्शियम एंड विटामिन डी, एंड आई विल प्रोवाइड द सप्लीमेंट्स ऑल्सो। वी विल इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन विच आई विल इन्वॉल्व द साइकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड द सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एज अ पेशेंट एंड प्रोवाइड हर सपोर्ट। एंड देन मैडम इस पेशेंट इज 35 एंड शी वॉन्ट्स टू कंसीव बाय कीपिंग द फर्टिलिटी कंसेंसस इन द माइंड, देन आई विल काउंसिल हर दैट देयर इज अ 50% चांस ऑफ स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन, कितने स्पॉन्टेनियस परसेंट चांस? कंसेप्शन कितने परसेंट फिफ्टीन चांस? टेन टू 15% मैडम, ठीक टेन है, टू 15% ओके, ठीक स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के चांसेस हैं। एंड देन आई विल ऑल्सो टेल हर अबाउट द DHEA जो डायहाइड्रोपिनिलोस्टिरोन। है। एक मिनट बेटा, हेलो, जी जी मैडम, 3 मिनट के जरा करती हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ जी,
मैडम बाय गिविंग द डाइहाइड्रोएपी एंड्रोस्टिनोडाइन 25 मिलीग्राम बीडी देयर हाँ एएमएच लेवल विल बिकम इंक्रीज्ड बाय रिपीटिंग 3 मंथ्स. इफ इट इज इंक्रीज देन ये वी विल ऑफर हर. डीएचपीए आप इसको अभी स्टार्ट करोगे? हाँ मैडम वो मतलब उसको पॉसिबिलिटीज बताएंगे के मतलब स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के भी चांसेस हैं और उसको जो है वो हाँ डिफरेंट ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ ओविलेशन ओवम डोनेशन एंड स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन नहीं, बाय गिविंग देखो जो डीएचपी. चीज ठीक है वो भी है, इनोवेटिव वो भी स्ट्रेटजीज हैं फॉर, लेकिन जी इससे जी पहले जो इनिशियल हमारी रेमेडीज हैं वो इसमें क्या होंगी? मैडम वो तो हम इसको कैल्शियम और तो वाइटामिन डी डीएचसीए लाइफ स्टाइल सप्लीमेंट मॉडिफिकेशन आपने के लिए. बताया, विटामिन डी एंड कैल्शियम एंड ऑल दैट, ठीक है, ये जी सारा जी कुछ आपने उसको बता दिया इसमें, और आपने नेचुरल कंसेप्शन के भी बता दिए, और उसके अलावा और क्या? मैडम और तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर जिसको मतलब उसके कंसेंसस है उसके हिसाब से जो है उसको ट्रीट करेंगे. उसमें ऑफ एंड ऑन सिम्टम्स थे हॉट फ्लशेस के, बाकी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं थी, बट शी वॉज मच वरीड अबाउट हर कंडीशन और ये सारा कुछ. मैडम तो उसमें जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो थेरापीज वो भी डिस्कस करेंगे, जैसे फाइटोइस्ट्रोजन और सोया ये होते हैं तो क्या चीज है? कॉम्प्लीमेंट्री थेरापीज वो भी डिस्कस करेंगे, हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स. अच्छा, आपने इसका जो रिपीट FSH करवाया दैट कम्स आउट टू बी 660 आफ्टर यस मैडम सिक्स इट इज वीक्स सिक्स जीरो हो इंक्रीज. गया. ओके मैडम एंड इट इज अब क्या इंक्रीज. करोगे? मैडम देन आई विल कंफर्म द डायग्नोसिस दैट एंड टेल हर अबाउट द डायग्नोसिस दैट इट इज अ कंफर्म नाउ एंड देन टेल हर अबाउट द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम वो सारा कुछ जो एंड पहले से कर रही है, ठीक है. और मैडम देन उसको जो है वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट करवाऊंगी. ओके कंसीव विद ओवम डोनेशन एंड आई विल ऑल्सो टेल हर बट व्हाट अबाउट दैट. अबाउट हर एम एन और गया, ठीक है. इस देखो इसमें दो दो चीजें हैं. एक तो इसकी इसका मीनोपॉज हो गया, प्री मेच्योर मीनोपॉज हो गया, नाउ इट इज कंफर्म्ड बाय फिगर ऑफ 60. और दूसरी अलावा के दूसरी उसका जो कंसर्न है वो फर्टिलिटी का है. सो दीज टू थिंग्स हैव टू बी एड्रेस्ड, व्हाट इज पॉसिबल टू मैनेज एंड व्हाट इज डिफिकल्ट टू मैनेज. तो ये इन इट्स दोनों आवर चीजों पे आप हमें बताइए. मैडम वी विल ऑफर इट्स आवर पार्टी इन द फॉर्म ऑफ ओरल और पेसरीज और रिंग और एडवांस आप एग्जैक्टली इसको क्या बताएंगे? ऑप्शन तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें इसको एग्जैक्टली क्या बताएंगी? एक तो आपने जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थी वो चलती रहेगी, ठीक है, वेट रिडक्शन, डाइट और एक्सरसाइज एंड ऑल दैट. बाकी आपने डीएचई एक कहा, वो आप उसको कंटिन्यू रखेंगी, बट हाउ डीएचई ए विल हेल्प हर एज रिगार्ड टू दीज टू सिम्टम्स, हर टू कंसर्न्स. मैडम वो उस साइड की क्वालिटी को अच्छा करता है डीएचसीए, तो इसीलिए जो है वो देंगे. और उसके जो है वो सिम्टम्स को जो कंट्रोल करने के लिए जो एचआरटी उसको ऑफर करेंगे. ठीक है, HRT में कौन सी आप उसको ऑफर करेंगे? HRT में इसको क्या इसको मैडम करेंगे? जिसमें एस्ट्रोजन होगा ज्यादा. हाँ ठीक है, तो कौन सी, मैं वही पूछ रही हूँ कि इसमें क्या हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है. मैडम सीक्वेंशियल देंगे क्योंकि उसको रेगुलर ब्लीड करवाना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म से एमनोरिक है. मैडम तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? व्हाट टाइप ऑफ HRT विल यू रिकमेंड फॉर हर? शी इज 35 ईयर्स ऑफ एज, दो देर इज नो कोमॉर्बिडिटी, कोई उसको प्रॉब्लम हिस्ट्री पे नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पे नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है. जस्ट टू मेक द केस सिंपल कि इसमें जो है वो हम HRT मैडम की कौन सी दो प्रेपरेशन स्टेटमेंट्स विच विल बी. कंटेन जी मोर एस्ट्रोजन रोग है. हाँ जी बताइए. जी डॉक्टर जैनब. जी जी मैडम उसको जो है वो हम HRT देंगे प्रोगैलिट्यून. अच्छा, प्रोगैलिटोन में क्या होता है? प्रोगैलिटोन में क्या होगा?
मैम ईस्ट्रोजन रिच कंपोनेंट होता है। और बेसिकली ये देखो, इसमें आप जहाँ पे एचआरटी वाली चीज, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसकी मैनेजमेंट का। एक ऐसा पेशेंट जो कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के साथ आपके पास आया, अब इसमें जो प्रोगैलुटोन है, इसमें डेफिनेटली दिस इज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी, और इसमें जो है वो ज्यादातर जो एचआरटी की प्रेपरेशन हैं उसमें एस्ट्रैडियोल वैलिरेट होता है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड इक्वाइन ईस्ट्रोजन हो सकती है या उसमें एस्ट्रैडियोल वैलिरेट होता है। व्हाट अबाउट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट्रोजन इन ओसीपीज एंड ईस्ट्रोजन इन एचआरटी? क्या हम इसको ओसीपीज नहीं दे सकते पेशेंट को? मैडम ये कंसीव करना चाहती है तो इसीलिए जो है वो हाँ, हम उसको तो एच एचआरटी भी देंगे। तो हार्मोनल प्रेपरेशन है, क्या उससे नहीं मसला हो जाएगा? मैडम इन इन एचआरटी द डोज ऑफ द एस्ट्रोजिन इज लो। ऑलमोस्ट 7 टाइम्स उसकी पोटेंसी कम होती है जो हम एस्ट्रैडियोल वैलिडेट यूज करते हैं या कॉन्जुगेट इक्वाइन ईस्ट्रोजन जो यूज करते हैं। सो एचआरटी विल सिमुलेट एग्जैक्टली द अमाउंट एंड टाइप ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज इटसेल्फ। जो सिंथेटिक ईस्ट्रोजन हम यूज करते हैं इन ओसीपीज, उनकी पोटेंसी भी ज्यादा होती है और उनकी उनकी बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी, उनकी पोटेंसी ज्यादा होती है। सो दैट नेचुरली विल हिंडर द एनी चांस ऑफ कंसेप्शन, इवन स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन का भी। तो इसलिए एचआरटी फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट विल बी मोर सूटेबल ऑप्शन, ठीक है, तो जी इसलिए इसमें एचआरटी हम ही देंगे और प्रोगैलुटोन इज वन ऑफ द एचआरटी प्रेपरेशंस। लेकिन अगर फर्ज किया इसको ज्यादातर प्रॉब्लम है ये हॉट फ्लशिज का, तो व्हाट स्पेसिफिक प्रेपरेशन विल बी सूटेबल फॉर हर, प्रोगैलुटोन और समथिंग एल्स? अब प्रोगैलुटोन देखो, इसमें दो चीजें हैं कि शी इज 35 ईयर्स ऑफ एज, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज वट टाइप ऑफ एचआरटी टू बी यूज एंड फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें करेंगे। इसमें पहली चीज तो हमने तय कर ली कि हम इसको ओसीपीस की बजाय हम एचआरटी देंगे। एचआरटी इज मोर बोन प्रोटेक्टिव एज वेल एज ये इसके साथ चांसेस ऑफ कंसेप्शन जो हैं वो फिर भी रहते हैं, ओसीपीस के साथ नहीं होंगे। बट यंगर द पेशेंट इज फॉर प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसमें फिर हमें थोड़ी सी ईस्ट्रोजन की मिकदार ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो ये इसमें वो दोनों दे सकते हैं, बट फॉर हर एज, फॉर हर पर्टिकुलर सिनेरियो, एचआरटी विल बी अ प्रेफरेबल ऑप्शन फॉर हर, ठीक है। प्रोगैलुटोन इज वन, ठीक, उसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी है, और उसमें आप अब इसमें जो एचआरटी से रिलेटेड, हम जरा दूसरी साइड पे फिर निकल जाएंगे, एचआरटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज होती हैं कि इसमें हम साइक्लिकल थेरेपी इसको देंगे, साइक्लिकल कंबाइंड थेरेपी, ताकि वो उसकी जो विड्रॉल ब्लीडिंग है वो होती रहे और उसमें एक नेचुरल साइकिल को वो सिमुलेट करे। अदरवाइज इसमें बाकी भी बहुत सारी रिजीम्स होती हैं, शी कैन बी गिवन क्लाइमेन, शी कैन बी गिवन टिबोलॉन, और ये सारी चीजें हैं जो उसको हम दे सकते हैं। अब ये दूसरी सवाल, दूसरा दूसरा इसमें जो कंसर्न है वो ये कि फॉर हाउ लॉन्ग इट शुड बी गिवन, शी इज 35 ईयर्स ऑफ एज। मैम टिल द एज ऑफ द मेनोपॉज तक देते हैं, नेचुरल एज मिनिमम टिल 45, मेनोपॉज तक। 45 ईयर्स मिनिमम, वरना बाज दफा इसको 50 ईयर्स तक भी कंटिन्यू रखा जा सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर सिम्टम्स या बेसलाइन, अगर किसी की कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं फ्रैक्चर्स के या बोन मास डेंसिटी के कम होने के, तो उनमें थोड़ी सी जरा प्रोलॉन्ग थेरेपी टिल 50 ईयर्स की जाती है, अदरवाइज टिल 45 ईयर्स जो है वो काफी है। अब इसमें जो एचआरटी के प्रोलॉन्ग यूज के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। डेफिनेटली जो कॉन्सिक्वेंसेज, खास तौर पे जो कार्डियो प्रोटेक्टिव तो ये होगी, स्केलेटल प्रोटेक्शन का भी इसमें एलिमेंट हो जाएगा, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म रिस्क, लिवर फंक्शन के प्रॉब्लम में वो ना हो, और ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी का, दो ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी रिस्क इज नॉट इक्वली
एप्लीकेबल एट द यंग एज, वो वाला उसका रिस्क नहीं होता जो कि एक नेचुरल मेनोपॉज बाय एज ऑफ 50 या 50 से ऊपर जो होता है उसमें रिस्क, वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बाकी चीजों को हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा। अब इसमें जो दूसरा सवाल है फर्टिलिटी का, अब HRT तो हमने इसकी कर दी और हमने उसको बता दिया कि ये चीजें हैं जो उसने करनी है। अब वी हैव टू एड्रेस द इश्यू ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में अगर हम इसमें देखें प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में, तो इसमें फौरन हमारे जहन में आता है कि अगर फर्ज किया ये ओवेरियन फंक्शन खत्म हो गए, देर आर नो फॉलिकल्स इन साइड द ओवरी, देन हाउ इट द पेशेंट कैन कंसीव। लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट इसमें रिजीम्स भी चलती हैं, जो इनोवेटिव रिजीम्स हम जिनको कहते हैं। तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टू नो द रिजर्व ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स इन द इमेजिंग स्टडीज। अब इसके लिए बहुत हमें जो है वो अपडेटेड इमेजिंग स्टडीज चाहिए होती हैं। यानी एक तो एंट्रल फॉलिकल काउंट तो एक चीज थी, लेकिन एंट्रल फॉलिकल काउंट हमें एक पर्टिकुलर साइज के फॉलिकल्स बताते हैं सिर्फ, जो बहुत छोटे फॉलिकल्स हैं वो नहीं पता होते हमें, जो यानी जो प्री एंट्रल हैं या जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल से प्री एंट्रल फॉलिकल बनता है, प्री एंट्रल से एंट्रल फॉलिकल बनता है, और हम उस साइज का एंट्रल फॉलिकल काउंट ही काउंट कर रहे होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द प्राइमोर्डियल फॉलिकल जिनका साइज बहुत छोटा होता है, और ये जो बेसिकली जो है वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, इसलिए असेस नहीं हो सकते ऑन अल्ट्रासाउंड। नाउ हाउ टू असेस देम, एक चीज होती है वही AMH। AMH भी हमें प्री एंट्रल फॉलिकल के बारे में बताता है, तो समटाइम्स इट बेसिकली हेल्प टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजर्व ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो AMH लेवल्स हैं। अब AMH लेवल्स में भी फ्लक्चुएशन आती हैं, दो इट हैज ऑल ऑल द टाइम बीइंग कंसिडर्ड के AMH लेवल्स में और FSH लेवल्स में फर्क ये होता है कि FSH लेवल वेरी करते हैं फ्रॉम वन फेज ऑफ द साइकिल टू अनदर फेज, यानी फॉलिकुलर फेज में ज्यादा, फिर ल्यूटियल फेज में ये कम हो जाते हैं, क्योंकि इसका काम ही ये है कि ये फॉलिकल को रिक्रूट करेगा, उसके साइज को बढ़ाएगा, फिर उसके बाद ओवुलेशन इन कंजंक्शन विद द अदर पैरामीटर्स वो सारी हो जाती है, LH के साथ मिलके और ईस्ट्रोजन पीक के साथ मिलके ये ओवुलेशन करता है। तो ये तो था जो कि एंट्रल फॉलिकल ने बनाया, ईस्ट्रोजन ग्रेनुलोजा सेल से बनती है और फिर वो फीडबैक के तौर पे FSH को कंट्रोल करता है। लेकिन जो AMH है ये वो वाला हार्मोन है जो एक्सक्लूसिवली जो प्री एंट्रल फॉलिकल के ग्रेनुलोजा सेल्स बना रहे होते हैं। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल या प्री एंट्रल फॉलिकल जो हैं वो उनके ऊपर इसकी मिकदार डिपेंड करती है। अब अगर चाहिए ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो प्री एंट्रल फॉलिकल हैं जो साइकिल में रिक्रूट नहीं हुए, वो उनका नंबर तो वही रहेगा, वो कम ज्यादा नहीं होता इन द साइकिल। एंट्रल फॉलिकल है फिर उसमें कुछ एट्रोफी हो जाएंगे, कुछ आउटग्रो कर जाएंगे, तो इस वजह से नेचुरली इट इज कंसिडर्ड कि AMH के लेवल्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द साइकिल। लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस भी नोट की जाती हैं बाज दफा, यानी ये भी फॉलिकुलर फेज में ज्यादा होता है और ओवुलेशन के बाद ये कम हो जाता है, यानी सिमिलरली टू दैट ऑफ द FSH बट लेस एज कंपेयर टू FSH। यानी इसकी और जो FSH की वेरिएशंस हैं वो तकरीबन 45% तक की वेरिएशंस होती हैं, जो जिसमें AMH की कम वेरिएशन है, FSH की ज्यादा है। तो AMH जो है वो दैट इज एन असेसमेंट ऑफ द ओवेरियन रिजर्व इन टर्म्स ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल, लेकिन ये हर केस में हमें ये वो नहीं बता सकता। अब एक कुछ केसेस प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर के ऐसे होते हैं जिनमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहे, उस साइकिल रिक्रूटमेंट का वो सारा, दीज आर कंसिडर्ड टू बी अ रिजर्व पूल, तो वो वहीं पे होते हैं अगर जे वो एक्टिवेट नहीं हो रहे होते, तो वो अगर नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं तो फिर हमारे पास बहुत सारी और स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे हम इसका फर्टिलिटी पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं। लाइक
chemicals to induce the growth of the primordial follicles. ये अब जो कुछ इनोवेटिव चीजें जो आ रही हैं वो ये हैं कि हम कुछ केमिकल्स ऐसे डाल दें ओवरीज के अंदर जिससे कि ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को बेसिकली जो ओवर ग्रो करने से जो चीजें रोक रही होती हैं, कुछ बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इसमें चीजें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, तो उनको नेगेट करने के लिए और इनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, जिसमें एक चीज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर भी है जिसके नाम से आपको सब कोई ही तकरीबन अवेयरनेस होगी, तो वो चीजें हम ऐसी ओवरी के अंदर डाल दें कि जिससे वो बढ़ जाए. तो ये एक इन विट्रो एक्टिवेशन कहलाती है कि हम इसको इस तरह से करें. अब ये दूसरी चीज जो होती है वो ये कि इसमें जो ओवेरियन डिसफंक्शन या ओवेरियन इनसफिशिएंसी या ओवेरियन फंक्शन ओवेरियन फेलियर, उसके पीछे एक बहुत सारी बहुत बड़ी वजह जो है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया आर बेसिकली द इंजन स्टोर ऑफ एनी सेल, यानी उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है और वो सारा मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी बेस पे एक सेल सर्वाइव कर रहा होता है. तो अगर तो माइटोकॉन्ड्रिया के अपना माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना डीएनए होता है, तो अगर उसका डिसफंक्शन हो जाए या माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी एट्रोफी हो जाए या माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नतीजे में, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बन रहे होते हैं, और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बेसिकली एक सेल को डैमेज कर रहे होते हैं. यानी हम जो एंटीऑक्सीडेंट की इतना कॉमनली बात करते हैं वो बेसिकली इसी चीज को टैकल करने के लिए कर रहे होते हैं. तो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है इनफर्टिलिटी में, क्योंकि ये कर रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ओवेरियन डिसफंक्शन एंड ओवेरियन फेलियर एंड इनसफिशियंसी. तो उसको कम करने के लिए हम बाज दफा माइटोकॉन्ड्रियल न्यूट्रिशन की भी बात कर रहे होते हैं. यानी अब माइटोकॉन्ड्रियल के न्यूट्रिशन किस चीज से होती है? सबसे एक बहुत कॉमन चीज जो हम आए रोज हर मरीज में ही तकरीबन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्या है भला? जी जैनब. मैम कोएंजाइम कोएंजाइम क्यूटेन क्यूटेन ऑफ कोर्स कोएंजाइम क्यू. कोएंजाइम क्यू वो है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, या कोई भी और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो इसमें उसको उसके डिसफंक्शन को माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को मैनेज करेगा. तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को जब वो मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली उससे उसकी जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है वो खत्म हो जाएगा, और उससे जो एक रिवाइवल है या सर्वाइवल है ओवेरियन फंक्शंस का वो आना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो ये तो थी एक चीज. उसमें हम इसलिए यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल आता है. डीएचईए लेवल जो है ये बेसिकली प्राइमोर्डियल फॉलिकल को जरा थोड़ा सा ग्रोथ में तो हेल्प करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एफएसएच और एएमएच को इफेक्ट नहीं कर रहे होते. और हम सिर्फ खाली जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है वो सिर्फ एफएसएच या एलएच के ऊपर एएमएच के ऊपर ही डिसाइड नहीं कर रहे होते बेसिकली. इसके साथ अब एक एक चीज जो मैं और बताना चाहूंगी कि जब एएमएच फर्ज किया ज्यादा हो तो उसके साथ ईस्ट्रोजन लेवल भी जरूर करवा लिया करें, ईस्ट्रेडायोल लेवल्स. वो इसलिए कि वो को रिलेट उसके साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जिस तरह अगर एफ एस एच बढ़ा हुआ है तो उस सूरत में भी उसके साथ ईस्ट्रेडायोल लेवल का उसके साथ भी को रिलेशन बन जाता है. क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन बॉडी में वैसे ही बन रही है फ्रॉम द एक्स्ट्रा ओवेरियन साइट्स, फैट टिश्यू से भी तो बन रही होती है, खासतौर पर ओबीज पेशेंट्स में, दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ नेगेटिव फीडबैक फॉर द रिलीज ऑफ एफ एस एच, और वो भी हमें उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है एफ एस एच और ए एम एच को. तो ये सारा इन कॉम्बिनेशन जो है ना वो इसको हमने करना होता है. तो ये हैं जो वो हम चीजें कर रहे होते हैं. अब फर्ज किया इसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी नहीं है, इसमें ए एम एच लेवल भी कम है, एफ एस एच तो है ही रेज, तो हमारे पास फर्टिलिटी पोटेंशियल के लिए फिर और क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया में कहीं भी कोई चीज हो रही हो दैट यू शुड नो हम प्रैक्टिस कर रहे हो या ना कर रहे हो.
हाँ जी, और इनोवेटिव थेरेपी में क्या आ जाएगा? स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी जो है वो उसका एक आंसर होता है कि स्टेम सेल थेरेपी में वो वाले सेल्स जो के जिनमें किसी भी और सेल्स में डेवलप करने की का पोटेंशियल होता है, और वो हम डिफरेंट जगहों से ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम ले सकते हैं, तो उसका फिर एक रोल इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर जो है वो, और इसके आगे से डिफरेंट रिजीम्स हैं और तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। उसमें उस ओवेरियन, फर्ज किया हमने पेशेंट को कीमो या रेडियोथेरेपी देनी है, उसका ओवेरियन कॉर्टेक्स निकाल के तो आप प्रिजर्व कर लें, बाद में उसको वो दोबारा से हम री इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज है जो कि वर्केबल हैं, जो होती हैं दुनिया में। और इसमें जो, और ये हम इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं, और इंट्रा ओवेरियन भी हम दे सकते हैं, इवन इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीकों से हम इसमें ये कर सकते हैं। फिर इसके अलावा पीआरपी भी एक ऑप्शन है, यानी जो जो हम पीआरपी अमूमन हेयर ग्रोथ के लिए जो ज्यादा हमारे यहाँ पे यूज होता है, वो तो उसी के लिए होता है। तो उसका भी ऑब्जेक्टिव बेसिकली, उसका भी काम यही है कि स्टेम सेल, वो भी वो तकरीबन स्टेम सेल वाली चीज होती है, और उसमें ज्यादातर ये प्लेटलेट कंसनट्रेट हैं जो दिए जाते हैं, तो वो भी उसमें डेवलप भी करते हैं, और उसको उसके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं उसमें उसको उनकी ग्रोथ को भी एनहेंस करता है, और अगर ना भी हो तो ये डेवलप भी कर जाते हैं इन द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स और बाकी जो साइकिल है। लेकिन जाहिर है बाकी ये काफी कॉम्प्लिकेटेड थेरेपीज हैं, लेकिन ये जितनी हम स्टेम सेल्स देते हैं इनके अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्योंकि ये जहां पे भी हम देंगे वहां पे जाहिर सेल ग्रोथ तकरीबन उसके में काफी फास्ट सेल ग्रोथ होती है, तो उसमें कभी कभी ट्यूमर मेलिग्नेंसी ट्रांसफॉर्मेशन का भी रिस्क होता है। हेट्रोजेनिसिटी ऑफ द डेवलपिंग या ट्रांसफॉर्मिंग प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स वो भी हो सकती है, जो फिर ट्रांसमिट हो सकती है एम्ब्रियो में भी, और इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं, इस वजह से अब स्टेम सेल से हट के स्टेम सेल्स के कुछ वेक्यूल्स होते हैं जो उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं, जिनको हम एक्सोसोम्स कहते हैं। उनके अंदर भी ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, लिपिड्स भी होती हैं, और ये जिस भी सेल के अंदर हम डालेंगे या स्ट्रक्चर के अंदर डालेंगे वो उसकी ग्रोथ को पोटेंशिएट करेगा, यानी उसकी ग्रोथ को बढ़ा देगा। तो वो ज्यादातर अब वो यूज करते हैं जो कि सेल फ्री, जिसको हम कहते हैं सेल फ्री थेरेपी होती है, जो कि स्टेम सेल से निकले हुए एक्सोसोम्स को फिर हम उसमें इंजेक्ट करते हैं। तो ये हैं जो कुछ चीजें जो कि, या बार दफा हम बिल्कुल इसमें कुछ और मटेरियल, सेल्स के अलावा कुछ और मटेरियल जो बायो मटेरियल कहलाता है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड वगैरह है, बार दफा हम उसको भी दे रहे होते हैं। तो ये वो डिफरेंट चीजें हैं जो किसी हद तक आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द इनोवेशंस इन सच अ पेशेंट्स। एंड फाइनली देयर ऑलवेज रिमेन्स द ऑप्शन ऑफ एडॉप्शन, फिर डोनर जो ओवम डोनेशन है वो भी, लेकिन वो एडॉप्शन वाली चीज तो ठीक है, लेकिन ओवम डोनेशन वाली चीज जो है वो हमारे सोसाइटी में उतना एक्सेप्टेबल नहीं है जैसे स्पर्म डोनेशन है, उसी तरह ओवम डोनेशन भी नहीं। तो क्योंकि उसमें जो पैटर्निटी है या मैटर, वो सारी चीजें जो हैं वो उसमें क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। तो ये सारा कुछ है इसमें। अब ये फर्ज किया कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें जो जर्म सेल जो हैं वो हैं, लेकिन बाकी ओवरी फंक्शन नहीं करें, कुछ नेचुरल रेमेडीज भी होती हैं। एक दफा हमारा हमने एक स्टडी की थी अबाउट द यूज ऑफ कलौंजी ऑयल्स, सॉरी ये कलौंजी सीड्स, जो कि जो आम जिसको आप कलवंजी भी कहते हैं, दैट एनहेंसेस द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड द ओवुलेशन। और ये इसका थोड़ा सा ऑक्सीटोसिक वो भी होता है, एंड इट इज ब्लड थिनर एज वेल, कलवंजी सीड जो है, और इसके अलावा ये फ्लैक्स सीड्स भी। तो ये वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये चीजें, खासतौर पे जिनमें ओवुलेशन का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली इन द केसेस ऑफ पीसीओ, तो वहां पे ये चीजें जो हैं वो आप इसको पेशेंट को जो है वो कह सकती हो इस्तेमाल करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग जिसकी मैं डिटेल में नहीं जा रही, कि जो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में करनी होती है। और मैडम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज
जो मेरा ख्याल है बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन आप सबको पता होना चाहिए कि हमें पेशेंट को अवेयर करना चाहिए अबाउट द एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स. एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स वो केमिकल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर इनफर्टिलिटी, फॉर ओवेरियन डिसफंक्शंस, फॉर एंडोक्राइन डिसफंक्शंस, इवन हाइपोथायरेडिज्म भी और ओवेरियन डिसफंक्शन भी, ये सब चीजें. तो वो भी हमें अपने जहन में जरूर रखने चाहिए, जिसमें जो बहुत सारे यूज ऑफ केमिकल्स, यूज ऑफ प्लास्टिक्स, ये सब चीजें हैं जो कि हम में से कभी भी पेशेंट को हम गाइड नहीं कर रहे होते, लेकिन ये उतना ही इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजिकल फैक्टर है जितने के हम बाकी डिजीजेस को समझ रहे होते हैं. तो डिजीज तो अपनी जगह पे, बिकॉज ये अब सब लोगों ने नोट किया होगा कि मेलिग्नेंसीज, एंडोक्राइन डिसफंक्शन, इवन यंग एज पे हाइपोथायरेटिज्म के केसेस अब देखने में मिलते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, या इवन जो मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल दोनों ही, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर जो ट्रेडिशनल हमारी कॉजेज हैं जो हमेशा से हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, जो जिसका एक्सपीरियंस हमें है, उसके अलावा जो इसका राइज है वो इसकी वजह से है, पूरी दुनिया में है, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है. दैट इज वाई मैनी थिंग्स आर बींग बैंड आउटसाइड, लेकिन हम अभी तक उसको यूज कर रहे हैं ड्यू टू मैनी फैक्टर्स. तो ये हम सबको अपने पेशेंट्स को थोड़े सी गाइडेंस और अवेयरनेस जरूर देनी चाहिए. ठीक है, मैम कलोंजी कितना देना चाहिए पेशेंट को अगर हम बताएं कलोंजी ये तो कितना? सिंपल, जैसे आम एक पेशेंट, एक आम जो, ये तो हर पेशेंट ही ले रहा होता है ना, सिर्फ इनफर्टिलिटी तो नहीं ले रहे होते. दिस इज जस्ट द 7 स्मॉल सीड्स, ब्लैक सीड्स जो होते हैं. हाँ, बस सिर्फ इतना सा, ये काफी होता है, इसमें बहुत ज्यादा ओवरडोज नहीं करनी होती. ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कि हमारी आम तौर पे, जो हम बेसिकली हम अपनी जो नेचुरल रेमेडीज होते हैं वो उनको भी हमें यूज करना चाहिए. ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं, हमारी बहुत सारी जो मेडिसिन हैं वो नेचुरल चीजों से ही बनी हुई होती हैं, तो अगर हम उनको रॉ फॉर्म में यूज कर लें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि उसमें तो काफी और सारे भी इफेक्ट अचीव हो जाते हैं. तो इसमें एज लॉन्ग एज, तो इस पेशेंट में फिर हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी देंगे, हम DHEA भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाकी HRT वाली प्रेपरेशंस भी हमने देंगे जो कि इनकम्पैटिबल नहीं होगी विद हर इनफर्टिलिटी इश्यूज. ठीक है, बाकी तो जो सब चीजें हैं वो हो सकते है किसी वक्त हम कम से कम एटलीस्ट PRP तो करना शुरू हो जाए, क्योंकि PRP तो किसी हद तक मैंने, बल्कि स्टेम सेल थेरेपी तो हमारे यहाँ पे शुरू हो भी गई हुई है, बट वी नीड टू नो कि कहाँ पे इस पर्पज के लिए हम कहाँ पे इसको भेज सकते हैं. तो ये चीजें हैं जो कि इतनी आउट ऑफ स्कोप या आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं, मतलब सिंपल है, लैप्रोस्कोपी के थ्रू आप कर सकते हैं, वैसे सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं, तो ये चीजें मैनेजेबल हैं, प्रैक्टिकेबल हैं, तो नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू. तो ये चीजें हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस में लानी चाहिए, इनको भी कंसिडर करना चाहिए फॉर सच डिफिकल्ट पेशेंट्स. ठीक है, जिनका यंग एज पे मीनोपॉज हो जाए. तो अब उसमें और कोई क्वेश्चन है तो वो हम देख लेते हैं. मैम DHEA की बात की मैडम, ये हाँ जी मैम एक पेशेंट मैंने देखी थी, उनका LH40 था और FSH जो है वो 12 था, तो अगर ये PCO और थिन स्लिम पेशेंट है, अगर हाँ. इस तरह का सिनेरियो हो तो फिर पेशेंट को क्या देना चाहिए, लाइक देखो वो OI तो भी दे सकते हैं ये? अगर चे जो यूजुअली कॉम्प्लीमेंट है ऑफ द PCO विद द ओबेसिटी वो एक नॉर्मल फीचर है, लेकिन PCO डेफिनेटली कैन बी इन अ थिन स्लिम पेशेंट एज वेल. तो वहां पे देखो कि कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस तो नहीं है, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स कितने हैं उसमें, और कोई एंडोक्राइन डिसफंक्शन तो नहीं है, वो सारी चीजें देख लो. इफ एवरी थिंग इज ओके देन जस्ट रूटीनली इसको जो हम करते हैं, यानी डाइट और एक्सरसाइज का तो बताओगे ही. अब डाइट में, डाइट का मतलब ये नहीं होता कि खाना पीना छोड़ दिया जाए, बेसिकली द टाइप ऑफ फूड मैटर्स अलॉट. उसमें टाइप ऑफ फूड को जो है वो हमें मैनेज करना पड़ता है, यानी उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, उसकी कितनी रेशो. वो जो डाइट डिजाइनिंग होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर अ थिन स्लिम पेशेंट. और बाकी जो है उसमें तो कैलोरी रिडक्शन करते हैं हम, जिनका BMI ज्यादा होता है, तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो उसमें भी चलेंगी, लेकिन इनमें भी हम DHEA दे सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो एंट्रल फॉलिकल की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है.
अगर जी इसका एक ओवरऑल इफेक्ट ऑन एफएसएच और ऑन एएमएच पे इतना नहीं होता। दूसरी चीज ये कि अगर एलएच लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब है हाइपर एंड्रोजिनिज्म वाली चीजें ज्यादा हैं, बिकॉज समटाइम्स पीसीओ कैन बी एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर एंड्रोजिनिज्म। अब हाइपर एंड्रोजिनिज्म के जो बाकी सोर्सेज हैं वो भी, अब एलएच तो बनता है थीका सेल्स ऑफ द फॉलिकल से, लेकिन अगर फर्ज किया एड्रिनल लेवल्स अगर हाइपर एक्टिव है, उसमें कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है, या पेशेंट में क्लिनिकल जो है वो उसके स्टिग्मास हैं हाइपर एंड्रोजिनिज्म के, तो देन वी हैव टू गिव सम एंटी एंड्रोजन्स एज वेल, बिकॉज एंटी एंड्रोजन जब देंगे तो उसमें फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस डिवेलप होगी, उसमें वेरियन फंक्शन स्ट्रीमलाइन होंगे। ठीक है, हाँ जी मैम डीएचईए का बता दें जरा प्लीज, क्या रोल है? बेटा, ये जो डी हाइड्रो एपी एंडोस्टिडोन है ये एड्रिनल से भी बनता है, ये ओवरी से भी बनता है, और ये बेसिकली ये ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ये समझो एक ग्रोथ फैक्टर है उनके लिए, डेवलपिंग फॉलिकल्स के लिए इसका ये रोल है इस हद तक। ठीक है, ये उसका साइज बढ़ाता है, उसकी थोड़ी सी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, लेकिन ये ओवरऑल एएमएच तो जाहिर है जो जो फॉलिकल ग्रो कर रहा है वो एएमएच तो नहीं बना रहा होता, एएमएच तो बनता है प्री एंट्रल फॉलिकल से, तो इसलिए एएमएच लेवल को ये वो नहीं करता। और दूसरा एफएसएच लेवल्स को जो है वो डायरेक्टली ये उस तरह से नहीं करता, लेकिन अगर डेवलपिंग फॉलिकल उसकी उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी बढ़ जाए, डेफिनेटली उससे ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन बेहतर होती है, एंड दैट कंट्रोल्स द एफएसएच लेवल। ठीक है, मतलब ये एफएसएच को बढ़ाता नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी और उसकी जो साइज है उसको बढ़ाता है, इसका बस ये इतना सा रोल है। लेकिन बात ये है कि जब आप डीएचए देना शुरू करते हो या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट देना शुरू करते हो, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट द मिरेकल्स टू हैपन विद इन डेज, बिकॉज इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 4 months टू एग्जर्ट इट्स इफेक्ट। इतने महीने लग जाते हैं उसका इफेक्ट होते होते, तो हम ये कहें कि अब हमने की थेरेपी, क्योंकि दीज विल जस्ट सिमुलेट लाइक द नेचुरल थेरेपीज, तो ये जो थेरेपीज होती हैं ये इनको टाइम लगता है, इनको टाइम ये देना चाहिए। तो अगर हमने ऐसे पेशेंट्स में जो जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाले केसेस हैं उसमें अगर अगर फुल ब्लोन केस है उसमें हमेशा उसको पहले ऑप्टिमाइज करो उसकी बेसिक सिचुएशन को, यानी उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, वेट रिडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा वो मेटफॉर्मिन आप दे सकते हो, और ये सारी चीजें ताकि वो बैक टू नॉर्मल अपने फंक्शन पे आए, एंड एट द सेम टाइम यू कैन स्टार्ट विद द डीएचईए एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड इफ यू हैव टू गिव ओवुलेशन इंडक्शन देन गिव अ मार्जिन ऑफ 3 to 6 months बिफोर यू स्टार्ट इट, उससे पहले उसको ट्रीट करें इसी तरह से, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम व्हाट सम बेटर आउटकम, नॉट डायरेक्टली, क्योंकि उसमें कंसेप्शन का भी फेलियर रेट हो जाता है जब आप एक फुल ब्लोन उस पे करते हैं पीसीओ वाले केसेस में, दो दिस इज वन ऑफ द थेरेपीज टू कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन दोस केसेस, लेकिन अगर आप उस फुल ब्लोन सिंड्रोम के साथ डायरेक्टली आप ओवुलेशन इंडक्शन करोगे, चाहे वो उसकी एक रेमिडी है भी, तो उसमें थोड़ा सा कंसेप्शन फेलियर, और उसमें अगर कंसेप्शन हो जाए तो प्रेगनेंसी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए उसका जो बेसिक मिलियो है, हार्मोनल मिलियो है, उसको पहले स्ट्रीमलाइन करें, उसके बाद फिर उसमें ओवुलेशन इंडक्शन शुरू करें। जी हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मैम, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट जो मेजर करते हैं वो अल्ट्रासाउंड से करते हैं? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड से करते हैं, वो तकरीबन 8-9 days पे करते हैं, यानी वो वाले सारे फॉलिकल जो उस साइकिल में रिक्रूट हो रहे होते हैं, तो कम से कम 5-6 हो तो बहुत अच्छा एडिक्वेट रिस्पॉन्स होता है ये, वरना अगर 4-5 या 3-4 भी ठीक है। ठीक है, तो 4 to 5 होने चाहिए? मतलब मिनिमम इतने तो होने चाहिए ना। ओके ओके, चलिए, थैंक यू मैम। चलो, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर बंद करें। थैंक यू मैम।
चलो ओके, नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ना है ये भी जाते जाते बता जो। मेल मैडम मेल इनफर्टिलिटी कर लो। इनफर्टिलिटी, यस अच्छा मैम। मेल इनफर्टिलिटी, वैसे आपको ज्यादा बेहतर डॉक्टर यूसुफ ही पढ़ाएंगे। ओके ठीक है, एनी अदर यस टॉपिक? मैम, आप बता दीजिए। अच्छा चलो फिर लेट मी चूज माई सेल्फ। ओके चलो जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, थैंक यू।